शादी के सीजन के साथ एक और ऐसी चीज है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है, अभी काफी ज्यादा चल रही है। अगर आप एक एविएशन एस्पिरेंट है तो आपको भी पता होगा, वो है इंटरव्यूज, वेदर इट बी केबिन क्रू इंटरव्यूज और ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यूज। सो हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड वीडियो को पूरा एंड तक देखो। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हो। एंड बिना किसी बकवास के चलो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो को। इस इंटरव्यू के सीजन में आप में से बहुत सारे ऐसे एविएशन एस्पिरेंट्स हैं जो कि डेली किसी ना किसी एयरलाइंस के वेबसाइट पे अपना सीवी सबमिट कर रहे हैं एंड आप बस उस एक मौके की तलाश में हैं जब आपको एक कॉल आए उस पर्टिकुलर एयरलाइन से और आपको बोला जाए कि हाँ हम आपको सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर आपको बुला रहे हैं वन ऑन वन पीआई राउंड के लिए या फिर यू नो वन ऑन वन फेस ऑफ राउंड के लिए, कुछ भी ऐसा एक वन ऑन वन राउंड के लिए, फिर चलो वहाँ ओवर द फोन ही इंटरव्यू लेके आप सिलेक्टेड हैं। लेकिन आपको उस मोमेंट पे कैसा लगेगा जब आपका सारे प्रोसीजर्स होने के बाद भी आप अपने डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिजेक्ट हो जाए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के बारे में ही बताऊंगा। देखो, डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा पार्ट है ना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बाहर से जितना ज़्यादा अपने आपको पॉलिश कर लो, अंदर से अपने आपको जितना ज़्यादा पॉलिश कर लो, वेदर इट बी फ्रॉम ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन और बीट एनीथिंग, लेकिन आप जितना अच्छा अपने आपको प्रेजेंट करते हो आपके डॉक्यूमेंट्स भी उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। सो फॉर ग्राउंड स्टाफ और फॉर केबिन क्रू, जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जो रिक्वायर्ड है, वो है सबसे पहला और मैंडेटरी चीज़, दैट इज़ योर आधार कार्ड। एक आपका आधार कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करता है, तो इसलिए आधार कार्ड इज़ वेरी मैंडेटरी। सेकेंड चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, वो होता है आपका पैन कार्ड। बिकॉज पैन कार्ड जो है वो आपको ऑफिशियली टैक्सेस पे करने के लिए होते हैं, आपका जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो आपकी सैलरी घुस रही है, बीट एनीथिंग, फाइनेंस के एंड से पैन कार्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। थर्डली इट्स पासपोर्ट। पासपोर्ट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर मैनी एयरलाइंस, बट अगर आपके पास पासपोर्ट है तो दैट गिव्स यू एन एडिशनल एडवांटेज। ये एडिशनल एडवांटेज क्या होता है, अगर आपके पास एक पासपोर्ट है तो आपको जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी सीमलेसली हो जाता है। बिकॉज आप भले ही एयरलाइंस को एज अ ग्राउंड स्टाफ ज्वाइन करो या फिर एज अ केबिन क्रू ज्वाइन करो, आपको जो है एयरपोर्ट से होके गुजरना पड़ेगा, तो आपको एक एयरपोर्ट एंट्री परमिट बनवाना पड़ता है फ्रॉम BCAS। BCAS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो आपको वहाँ से अपने AP को कलेक्ट करना पड़ेगा एंड आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, किसी भी एयरपोर्ट पे वही एक पास होता है जो आपके एयरपोर्ट एंट्री परमिट होता है, जो आपको एक एयरपोर्ट के अंदर घुसने की परमिशन देता है। तो उस एयरपोर्ट एंट्री परमिट को बनाने के लिए आपके बैकग्राउंड चेक्स करने पड़ते हैं, तो पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि आपके बैकग्राउंड चेक्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देता है। फोर्थ इज़ योर एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपके जितने भी एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, वो चाहे 10th के मार्कशीट हो, 12th के मार्कशीट हो, अगर आप एक केबिन क्रू एस्पिरेंट है तो आपका 12th का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप एक ग्रेजुएट नहीं है, आप सिर्फ 12th पास है, तो आपके 12th का सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है आपका केबिन क्रू के सिलेक्शन के लिए। बट अगर आप एक ग्राउंड स्टाफ किसी एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आई नो अभी आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा कि यार अगर सपोज मेरे पास पासपोर्ट नहीं है या फिर यार मैंने तो अभी एग्जाम्स दिए हैं, मेरे रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। देखो, उस केस में क्या होता है ना, नाउ दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर लक। बहुत सारे लोग मेरे साथ भी ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था एंड वो एप्लीकेशन नंबर लेके भी वो आए एंड दे गॉट सिलेक्टेड। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो प्रॉपर पासपोर्ट लेकर आ गए पर फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए। तो ऑफकोर्स डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज योर फिजिकल प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। ग्रेजुएशन को लेके, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास सिर्फ मार्कशीट है, तभी भी आप एक ग्रेजुएट ही कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपके एक सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो आई एम सो सॉरी, बैकलॉग के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज आपका जो मार्कशीट है उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक या फिर फेल ऐसा कुछ एक लिखा रहेगा एंड नीचे रिमार्क्स में भी लिखा रहता है कि यू नीड टू रीअपियर इन द फेल्ड सब्जेक्ट्स, तो वो आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा और आपको जो है वो पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो यार देखो मार्केट में इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ना, तो वो सिर्फ एक एज अ पार्ट ऑफ स्किमिंग प्रोसेस, आपका भी सिलेक्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो जाए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द HR, बट मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस यू जस्ट सिंपली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट. स्टैंड आउट से कहने का मतलब है कि अनटिल एंड अनलेस आपके ऐसे कुछ आंसर्स हो, ऐसे कुछ रिप्लाइज हो जो कि एक्चुअली में HR को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस कर दें. तो आई होप ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है. ये बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंटेशन लेवल है, इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर दैट्स फॉर लेटर. फिलहाल के लिए रखते हैं इतना ही इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग से कॉन्टेंट बनाता रहूँगा. सो दिस इज योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम.